teach you some important homophones. आज मैं आप लोगों को कुछ important homophones के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि परीक्षा में 100% मिलने की पूर्ण गारंटी है. फर्स्ट है एडवाइस. एडवाइस मीन्स परामर्श. ADVICE. एडवाइस मीन्स परामर्श. इसका वाक्य में प्रयोग है ही गेव अप स्मोकिंग एट योर एडवाइस. इसका दूसरा वर्ड है एडवाइस. इसकी स्पेलिंग है ADVISE. उच्चारण एक समान है लेकिन इनके दोनों के अर्थ अलग है. स्पेलिंग भी अलग है ADVISE और वो है ADVICE. ADVISE इसका हिंदी अर्थ है परामर्श देना. इसका वाक्य में प्रयोग है आई एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग. दूसरा नंबर है अफेक्ट. अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना. इसका वाक्य में प्रयोग है योर एक्शन विल नॉट अफेक्ट आवर फ्रेंडशिप. योर एक्शन तुम्हारा कार्य विल नॉट अफेक्ट प्रभावित नहीं करेगा आवर फ्रेंडशिप हमारी मित्रता. इफेक्ट. अफेक्ट मीन्स प्रभाव. इसकी स्पेलिंग है EFFECT. वाक्य में इसका प्रयोग है दिस मेडिसिन हैज लॉस्ट इट्स अफेक्ट. थर्ड नंबर है आल्टर. इसका अर्थ होता है बेदी. इसकी स्पेलिंग है ALTAR. वाक्य में प्रयोग है इसका द एनिमल वाज लेड टू आल्टर फॉर सैक्रिफाइस. इसका दूसरा वर्ड है आल्टर. स्पेलिंग है ALTER. इसका हिंदी अर्थ है बदलना. वाक्य प्रयोग है इसका डू नॉट आल्टर द टाइम टेबल. फोर्थ नंबर है एंड. एंड मींस ऑल. ANDED. इसका वाक्य प्रयोग है राम एंड मोहन केम हियर स्टडी. दूसरा वर्ड है ENDED. एंड मीन्स होता है अंत. इसका वाक्य प्रयोग है डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ. फाइव नंबर है एट मीन्स होता है पर. ATEE. इसका वाक्य प्रयोग है लुक एट द ब्लैक बोर्ड. दूसरा वर्ड है एट मीन्स होता है आठ. इसकी स्पेलिंग होती है EIGHT. इसका हिंदी अर्थ है इसका वाक्य में प्रयोग है आई है एट रूपीज नाउ. सिक्स नंबर है बैड. BAD. बैड मीन्स होता है बुरा. इसका वाक्य में प्रयोग है योर फ्रेंड इज अ बैड बॉय. दूसरा वर्ड है बैड. बैड मीन्स होता है बिस्तर. इसका वाक्य में प्रयोग है ही बैड इज वेरी कंफर्टेबल. स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देख करके इससे बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में पूर्ण रूप से मिल सकता है. यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और हमारे चैनल इम्प्रूवर क्लासेस को सब्सक्राइब करें. थैंक्स.